हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मम्स के बारे में। मम्स एक वायरल डिजीज है जो एक कम्युनिकेबल डिजीज में भी काउंट होती है। यह टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग है। सबसे पहले इसका जनरल डिफिनेशन देखेंगे। इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। मम्स क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होती है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मम्स वायरस फैमिली ऑफ पैरामैक्सोविडे। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सलाइवा के थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज, 2 to 3 वीक रहेगी। यूजली देखा जाए तो 18 डेज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या अर्थ होता है? जब कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर करता है, वहां से लेकर फर्स्ट सिम्टम जो शो होगा वहां तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि किसी पेशेंट को एक बार मम्स हो जाता है तो इसकी इम्यूनिटी बन जाती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। बट सेकेंड अटैक में अकर, और कभी कभी सेकेंड अटैक होने की चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट वन फीवर हेडेक, लेटर स्वेलिंग सबसाइड स्लोली ओवर 1 to 2 वीक्स, यानी कि पैराटिड जो ग्लैंड होती है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वो सबसाइड स्लोली 1 से 2 वीक के अंदर। नेक्स्ट अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ मम्स इज पैराटाइटिस, यानी कि मम्स का अर्ली फीचर क्लिनिकल कौन सा है? तो वो है पैराटाइटिस। नेक्स्ट कार्डिनल साइन, मेन जो साइन होता है वो होता है स्वेलिंग ऑफ पैराटाइड ग्लैंड। हमारे ईयर के पास पैराटाइड ग्लैंड जो होती है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, वो होता है मम्स का कार्डिनल साइन। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट वन इन इन्फेंट्स असेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट इन एडल्ट में देखा जाए तो आर्थराइटिस स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस वन एंड बोथ। नेक्स्ट ऑर्थराइटिस, यानी फीमेल में जो ओव्यू जो होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीन होती है MMR, मीजल मॉम्स रूबेला, जो लाइव वैक्सीन होती है 0.5 ml सबक्यूटेनियस एट 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज, यानी कि 12 से 15 मंथ्स की एज होती है वहाँ पर MMR की वैक्सीन लगाई जाती है।